वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 8th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेशन नंबर में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइंस। तो हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा आप छोटी क्लासेज में आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं अर्लियर क्लासेज में कि एक नंबर लाइन के ऊपर सेंटर में जीरो होता है और इधर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और इधर नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन उसमें हमने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया था, आज हमने रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव इधर आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि ये दोनों नंबर लाइक नहीं है, तो हम एक ही नंबर लाइन पे लाइक रैशनल नंबर्स को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों नंबर लाइक नहीं है तो हमें दोनों के लिए अलग अलग लाइन लेनी होगी। सो फर्स्ट पार्ट 7/4 को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक लाइन ड्रा कर ली है। ये हमारा नंबर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। तो हमें जीरो यहां पे ले लेनी चाहिए क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो नेगेटिव नंबर हमारा नहीं है। तो इसके लिए आप एक चीज नोट कीजिए कि इसका जो डेनोमिनेटर है यानी कि क्यू है वो क्या है, 4 है। तो इस चीज के ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है। तो यहां जीरो से आप क्या कीजिए, इक्वल यूनिट लेते हुए आप इसको कंपास की हेल्प से भी लगा सकते हैं। सो 1, 2, 3, 4 4 आपने आर्क्स लगानी है, इसको काउंट नहीं करना। 1, 2, 3, 4 दैट विल बी अवर 1, तो उसको आप 1 लेंगे। इसी प्रकार आगे और लगाइए, 1, 2, 3, 4 अगेन 4 हो जाए तो ये 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट है ये 1/4 को, ये 2/4 को, 3/4 को, ये 4/4 यानी कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4 यानी कि 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि 4/4 इक्वल टू 1 और 8/4 इक्वल टू 2 होता है। तो इसमें इस प्रकार आपने डेनोमिनेटर के इक्वल जो हैं उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उतनी ही आर्क्स लगानी है इसको छोड़कर, इसको काउंट नहीं करेंगे आप। तो 1, 2, 3, 4 तो फोर्थ को आप 1 लिखेंगे। सिमिलरली अगेन 1, 2, 3, 4 फोर्थ को आप 2 लिखेंगे। अब आप देखिए 7 काउंट करना है, तो ये हमारा 1/4 है, ये 2/4 है, 3/4 है और ये 4/4 है, ये 5/4 है, 6/4 है, तो ये आया हमारा 7/4। तो आप इसको क्या कीजिए, अलग से एरो साइन लगा के आप यहाँ पे 7/4 लिख दीजिए कि ये पॉइंट जो है हमारा 7/4 को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4 और ये तो 1 हो ही गया, तो ये 5/4, आप चाहें तो 4/4, 6/4 लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या है, -5/6। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा नंबर है -5/6 और ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर के लिए हमें नेगेटिव पार्ट शो करना होगा। तो हम जीरो को इस तरफ लेंगे और इधर डेनोमिनेटर यानी कि क्यू की जो वैल्यू है वो 6 है, इसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे हम। तो वही चीज़ की हम 6 आर्क्स लगाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इट विल बी अवर 1 एंड इस डायरेक्शन में आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये -1 हो जाएगा। अब अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप -2 तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, -5। तो आप काउंट कीजिए, -1, -2, -3, -4 एंड -5/6 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा -1/6 है, -2/6 है, -3/6, -4/6 एंड दिस इज अवर -5/6। तो इस प्रकार हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों को हमें डिफरेंट लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो लाइक नहीं है। अगर ये नंबर लाइक होते तो आप इन्हें एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, -9.11, -5/11, -2/11, इन्हें हमें लाइन नंबर पे रिप्रेजेंट करना है। आप यहाँ पे देखते हैं कि सभी के डेनोमिनेटर 11 हैं, ऑल आर लाइक, तो हम इन्हें एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर लाइक नहीं है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया, वो नंबर लाइक नहीं थे, तो उनके लिए हमें अलग अलग लाइन ड्रा करनी पड़ी, लेकिन इसके अंदर आप एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं। और ऑल आर नेगेटिव, नेगेटिव हैं तो हमें नेगेटिव पार्ट शो करना होगा, हम जीरो को यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है दैट इज क्यू 11 है, तो आपको क्या करना होगा, 11 आर्क्स लगानी होगी इक्वल यूनिट लेते हुए कंपास की हेल्प से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसे काउंट नहीं करेंगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
सो दिस इज अवर माइनस वन। अब आप काउंट कीजिए, ये माइनस वन बाई इलेवन है, ये माइनस टू बाई इलेवन है, माइनस टू बाई इलेवन आपको रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज अवर माइनस टू बाई इलेवन। नाउ माइनस थ्री बाई इलेवन, माइनस फोर बाई इलेवन, दिस इज अवर माइनस फाइव बाई इलेवन, तो ये भी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस फाइव बाई इलेवन। इन द सेम वे माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट एंड माइनस नाइन, सो दिस इज अवर माइनस नाइन बाई इलेवन। ये सभी लाइक थे तो इसीलिए हमने इनको एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइक नहीं होंगे तो उसके लिए हमें अलग अलग लाइन्स रिप्रेजेंट करनी होगी। सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, राइट फाइव रैशनल नंबर, आपको यहाँ पे फाइव रैशनल नंबर लिखने हैं, विच आर स्मॉलर देन टू, जो कि टू से स्मॉलर हो। यहाँ पे आपको क्या है, टू से स्मॉलर कहा है, अगर आपको दो नंबर दिए होंगे, बाउंड किया होगा कि इनके बीच में लिखना है, तो उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा, यहाँ पे आपने टू से स्मॉलर लिखने, तो टू से स्मॉलर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसा कि वन जो है वो टू से स्मॉलर है, जीरो है, माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, एंड सो ऑन, आप जितने चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉलर लिखने हैं तो आप उल्टी तरफ चलना शुरू कर दीजिए, और ये हमारे फाइव रैशनल नंबर हो गए जो कि इससे स्मॉलर है, सो दैट इज अवर आंसर। सुनाओ क्वेश्चन नंबर, सो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टेन रैशनल नंबर बिटवीन माइनस टू बाई फाइव एंड वन बाई टू। तो अब इनके बिटवीन लिखने हैं, आपको दो नंबर दे दिए जो कि इससे ग्रेटर होने चाहिए और इससे स्मॉलर होने चाहिए, तो दोनों तरफ को आपको बाउंड कर दिया गया, आप इससे ग्रेटर नहीं लिख सकते और इससे स्मॉलर नहीं लिख सकते। सो हमारे गिवन नंबर्स हो गए माइनस टू बाई फाइव एंड वन बाई टू। सो फर्स्ट स्टेप में हम इन्हें क्या करेंगे, लाइक बनाएंगे। लाइक बनाने के लिए आपको पता ही है कि हम एलसीएम लेंगे डेनोमिनेटर्स का, फाइव एंड टू का, दैट इज टेन। तो पहले हमें इन्हें लाइक करना होगा, सो माइनस टू बाई फाइव को डेनोमिनेटर टेन के इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको टू से मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट इज माइनस फोर बाई टेन। इन द सेम वे वन बाई टू को हमें फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज फाइव बाई टेन। अब हमारे नंबर हो जाते हैं माइनस फोर बाई टेन एंड फाइव बाई टेन। अब इनके बीच के नंबर लिखने हैं हमें, तो आप काउंट कर सकते हैं कि माइनस थ्री इसके बाद आएगा, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, देन जीरो, देन वन टू थ्री एंड फोर, क्योंकि फाइव ये खुद है और फोर ये खुद है, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। हमारे रिक्वायर्ड हैं टेन, हमें टेन रैशनल नंबर रिक्वायर्ड है और हमारे पास एट रैशनल नंबर है, तो अब आप इन्हीं के इक्विवेलेंट और नंबर लिख सकते हैं, आप इनको किसी भी नंबर से, यानी कि टू से, थ्री से, फोर से, आप जैसा चाहें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इनके अंदर इनकी काउंटिंग बढ़ जाएगी और आप कोई भी टेन रैशनल नंबर लिख सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो मल्टीप्लाई करने से टेन रैशनल नंबर पूरे नहीं होते, तो हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए, टेन, तो आप इसमें ऑलरेडी एक वन ऐड कीजिए, इलेवन। अगर आप इसको इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको 10 रैशनल नंबर तो मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। सो अगर रैशनल नंबर आपके जैसे यहाँ 8 पड़े हैं, आप यहाँ पे 2 या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके रैशनल नंबर 10 हो जाएंगे, लेकिन अगर आप 11 से करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी मोर देन 10, तो इसीलिए हम 11 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। सो माइनस फोर बाई टेन इंटू इलेवन इंटू इलेवन, इन द सेम वे फाइव बाई टेन को भी हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकें, तो माइनस 44 बाय 110 एंड 55 बाय 110। अब आप देखेंगे कि माइनस 43 से 54 तक ये जितने भी नंबर हैं, ये 44 माइनस 44 और 55 के बीच में लाई करते हैं, तो ये रैशनल नंबर आपके पास बहुत सारे रैशनल नंबर हो जाएंगे, आप इनमें से कोई भी 10 लिख सकते हैं। सो ओवर 10 रैशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर लिखिए 2 बाई फाइव एंड 1 बाई टू, और आप स्टार्ट कीजिए माइनस 43 से, डेनोमिनेटर वही रहेगा सबका 110, सो माइनस 42 अपॉन 110, माइनस 41 अपॉन 110, माइनस 40 अपॉन 110, आप इनको 54 तक जो भी चाहें, जहां से भी चाहें, आप कोई भी 10 लिख सकते हैं, लेकिन इनको कंटिन्यू लिखते हैं हम, माइनस 39 बाय 110, कितने हुए 1 2 3 4 5, अभी 5 और लिखने हैं, तो माइनस 38 बाय 110, माइनस 37 अपॉन 110, माइनस 36 अपॉन 110,
-35/110 -34/110। तो इनके आंसर्स वेरी करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत से आंसर हैं। अभी 33, 34 जीरो तक जाएंगे, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 54 तक जा सकते हैं। तो कितने ही रैशनल नंबर आप लिख सकते हैं। हाँ, 11 से हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि मल्टीप्लाई 2 या 3 से करने से हमें रैशनल नंबर कंप्लीट नहीं मिलते। सो अगर आपको जितने रैशनल नंबर रिक्वायर्ड हैं आप ऑलरेडी उससे ज़्यादा लेकर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको उतने ही रैशनल नंबर मिलेंगे। सो दिस इज अवर फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो 2/3 और 4/5 में हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सो पहला स्टेप तो हम इन्हें लाइक नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको एलसीएम लेना होगा 3 और 5 दोनों डेनोमिनेटर्स का, दैट इज 15। तो दोनों को लाइक बनाने के लिए हम 2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, सो दैट इज 10/50। इन द सेम वे 4/5 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, सो दैट इज 12/15। अब हमारे नंबर बन जाते हैं 10/15 एंड 12/15। आप इनमें देखते हैं कि केवल 11 ही आता है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रैशनल नंबर है इनके बीच में इस कंडीशन में। तो हमें और इंक्रीज करने के लिए इनको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके अंदर आपको 5 रैशनल नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हम 5 रेशनल नंबर रिक्वायर्ड हैं, तो एक पहले ही एक्स्ट्रा ले लीजिए 6। हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 10/6 15/6 12/15 इसको भी 6 से मल्टीप्लाई और 6 से मल्टीप्लाई। अब नंबर्स आर 60/15 6 होता है 90 एंड दिस साइड 72/90। अब आप देखेंगे कि आपको इनके बीच में 61, 62 एंड सो ऑन 71 तक आपको ये नंबर्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ 5 रैशनल नंबर। तो आप इनमें 5 रैशनल नंबर कोई भी लिख सकते हैं, सबका डेनोमिनेटर 90 देंगे, 61 से 71 तक कोई भी लिख सकते हैं। सो रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर, दैट इज 61/90। आप एक याद रखिए कि 60 और 72 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इनके बिटवीन लिखने हमने, सो दैट इज 62/90, 63/90, 64/90, 65/90। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। आप आगे भी लिख सकते हैं लेकिन हमें रिक्वायर्ड 5 हैं, सो इसी के साथ हमारे ये 5 रैशनल नंबर हो जाते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें गिवन नंबर्स हैं -3/2 और 5/3। तो इनके बिटवीन भी हमने 5 रैशनल नंबर ही फाइंड आउट करने हैं। सो इसको लाइक बनाने के लिए हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 और 3 का होता है 6। तो इनको -3/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज -9/6। इन द सेम वे 5/3 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 10/6। अब हमारे नंबर इक्विवेलेंट नंबर आ जाते हैं जो कि लाइक हैं 10/6। अब इनके बीच में हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। आप देखते हैं कि -8, -7 एंड सो ऑन 9 तक हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर हो जाते हैं और हमें 5 ही चाहिए। तो यहाँ पे आप बिना किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए भी लिख सकते हैं, सो ओवर रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर जो होंगे -8/6, -7/6, -6/6 यानी कि आप इसको -1 भी लिख सकते हैं एंड -5/6, -4/6 ये हमारे 5 रैशनल नंबर होते हैं। आप आगे भी लिख सकते हैं तो इसीलिए इनका आंसर वेरी करता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के थर्ड पार्ट में आपको जो गिवन नंबर है 1/4 और 1/2 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लाइक बनाने के लिए हम एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम है जो 4 ही आता है। तो 1/4 को आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और 1/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो वी गेट लाइक नंबर्स, ये 1/4 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2/4। अब इनके बिटवीन हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए और 1 के 2 के बीच में कोई नंबर नहीं आता, तो इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप अगर 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कंप्लीट 5 रैशनल नंबर नहीं मिलेंगे। सो आप 5 में 1 ऐड कीजिए 6, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो डेफिनेटली 1/4 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर 2/4 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट 6/24 एंड 12/24। तो आप देखेंगे डेफिनेटली इनके बीच में आपको कम से कम 5 रैशनल नंबर जरूर मिलेंगे, जैसा कि 7 से लेकर आप 11 तक, यानी कि रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर जो आपके हैं
वो जाते हैं 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। आप यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि आपको कंप्लीट फाइव रैशनल नंबर ही मिले हैं। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये रैशनल नंबर 4 रह जाते। तो इसीलिए पहले ही अगर आपके रैशनल नंबर कंप्लीट नहीं है तो एक एक्स्ट्रा नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको जितने रिक्वायर्ड हैं उतने रैशनल नंबर मिलेंगे, उससे अधिक भी मिल सकते हैं। दिस इज अवर सिक्स्थ क्वेश्चन कि फाइंड 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। यहाँ पे कोई अपर बाउंड नहीं है आपके पास, आप इनसे ग्रेटर लिखने हैं, जितने मर्जी लिख दीजिए, कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है। इट इज जस्ट लाइक द थर्ड क्वेश्चन। सो ओवर 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर, लिखिए इससे ग्रेटर क्या आएगा, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आप जितने चाहें लिख सकते हैं, आपको 5 लिखने हैं तो यहाँ पे आप रोक दीजिए, अगर आप चाहें तो जितने मर्जी लिख सकते हैं। दिस इज अवर 7th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कि फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें हम लाइक बनाएंगे, लाइक के लिए हमें एलसीएम लेना होगा 5 और 4 का, दैट 20। सो 3/5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर 3/4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट 12/20 एंड 15/20। आप देखते हैं कि 11 और 15 के बीच में हमें 13 और 14, अगर हम डेनोमिनेटर 20 देंगे तो वी गेट ओनली 2 रैशनल नंबर्स, लेकिन हमें रिक्वायर्ड कितने हैं 10, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए पहले ही एक एक्स्ट्रा ले लीजिए, अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 10 तो ज़रूर मिलेंगे, उससे अधिक भी मिल सकते हैं। सो हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 12 × 11, 20 × 11 एंड इधर देखते हैं कि 15 × 11, 20 × 11, सो इट बिकम 132/220। इधर आप देखेंगे कि 165/220। अब आप देखते हैं कि 132 से 165 के बिटवीन 133, 134 एंड सो ऑन 164 तक बहुत सारे आपको रैशनल नंबर मिल जाएंगे, डेनोमिनेटर सबका 220 ही होगा। सो ओवर रिक्वायर्ड 10 रैशनल नंबर, दैट इज 133, 134, 135, 136, 137, डेनोमिनेटर सबको 220 ही देंगे, सबका डेनोमिनेटर 220 ही रहेगा। ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर हो गए, लेकिन हमें 10 लिखने हैं, तो आगे चलते हैं। 138/220, 139/220, 140/220 एंड 141/220 एंड 142/220। आप और भी चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हमारे रिक्वायर्ड 10 रैशनल नंबर यही हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज और ये चैप्टर ओवर हो जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।